वंदे गुरुपद्वंदन भक्तबिंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधवं बिंदावै तुलसीदेव वै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरण्य दैयम् सदा परिभवग्न भविष्टदूहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचनुतम् सरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवाद्दिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनि छटाय ईश्वरीजीत किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयी कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषि त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संबी त्वं निसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै
नारायणायो समर्पयेत। कायेन वाचा मनस इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतो स्वभाव करों यद्वद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए अप्राकृत जगत का कृपा, भगवान का जो शक्ति है, भगवान का जो प्रकाश है, इसी माध्यम हमारा पास पहुँचते हैं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं भगवान का कृपा कोई डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का कृपा, भगवान का प्रकाश, भगवान का शक्ति, भगवान का प्रकाश माध्यम आम आदमी का पास, हमारा पास पहुँचते हैं। जोर जबरदस्ती ये मिलना बहुत मुश्किल है। शरणागत भक्त वत्सल, शरणागत भक्तों का पास गुरु रूप धारण करके पहुँचते हैं। भक्त वत्सल भगवान भक्तों का पास डायरेक्टली नहीं आते, तत्प्रकाश तत्शक्ति गुरु रूप धारण करके हमारा पास पहुँचते हैं। अहो भाग्य से सद्गुरु का दर्शन मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं हर कोई का जो गुरु मिलने का प्रसंग है, जो जैसा तकदीर है ऐसा मापिक उसका गुरु मिलता है। योगी गुरु मिलता है किसी को, तांत्रिक गुरु मिलता है, कौर्मी गुरु मिलता है, बहुत सारे ये सब गुरु समझता है। ऐसे तो गुरु का डिफिनेशन ओनली वैष्णव का लिए एप्लीकेबल है, फिर भी इन ओपन टर्म हमने बताया। पापा जी कहते हैं जो जैसा भाग्य किया है पूर्व संस्कार के अनुसार बलदाव जी महाराज उसको गुरु मिला देते हैं। अनंत देव का नज़र है, हर जीवों का ऊपर नज़र है अनंत देव, और अपना अपना संस्कार का अनुसार गुरु मिलता है। कभी कर्मी गुरु, कभी ज्ञानी गुरु, कभी तांत्रिक गुरु, ऐसा मिलते रहता है। लेकिन ब्रह्मांड भूमि तो कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, ये जो है ये एकदम एक्सेलेंट थिंग विषय वस्तु है। जब तक गुरु वैष्णव का संग नहीं हो जाए, वास्तव गुरु वैष्णव का संग, तब तक भटकते हुए जीव जो भटकते रहते हैं अनंत काल से भटकते भटकते, जैसे समुन्दर में उदाहरण दिया महाप्रभु, जैसे समुन्दर में काष्ठ हो, एक टुकड़ा काठ वुडन पीस, तैरते तैरते कहाँ चले गया, फिर कभी भाग्य हुआ तो जमीन में पहुँचा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ये ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। भक्तिलता बीज तो दूर की बात है, बहुत 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 कीमती चीज़ है। हम लोग तो सस्ता चीज़ लेके व्यस्त है, और हर वक्त जितना सारी चीप थिंग है, मेटेरियल थिंग। पोपात अक्सर कहते थे आप लोग जड़ो विषय में प्रविष्ट मत हो। आप लोगों के पास मेरा ये विनती है, आप लोग जड़ विषय में प्रविष्ट होने का चेष्टा मत करो। भजन का मकसद है इससे छुटकारा मिलना। युक्त तो वैराग्य करके विषय का भी बैलेंस कर लो, लेकिन भगवान का साथ विषय का कंप्रोमाइज मत करो, करने से होगा नहीं। कभी ऐसे चलते रहेगा, अनंत काल चलते रहेगा। काल चर्चा हो रहा था गुरु कृपा प्राप्त करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ये तो हुआ ही है। आत्मसमर्पण का भी हमने उदाहरण दिया, काल चर्चा किया था। जो चैतन्य चरितामृत में है जैत
कृष्ण का सामने जो सर झुकाया, जो शरणागत हुआ, उसको ही कृष्ण पार करे। मामी भी जो प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरंत थे, ऐसा बात। लेकिन गुरु प्राप्ति जो शरणागति जैसा हमारा हुआ है, उसी अनुसार सौभाग्य के अनुसार गुरु प्राप्त हुआ। और गुरु जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ये एक बड़ा चीज है। गीता में दिव्य ज्ञान के बारे में बहुत चर्चा हुआ है। और यहाँ जो दिव्य चक्षु का सवाल आया, उसका बारे में चर्चा हुआ, अर्जुन के बारे में क्या एप्लीकेबल है। ददामी दिव्य चक्षु जो बोला है, इसका माने क्या है अर्जुन के लिए। ऐसे बद्ध जीव के लिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान जब तक हृदय में प्रकाशित ना हो, मेरा कहने का मतलब है जब तक वास्तविक शरणागति नहीं हुआ, तब तक मंत्र का जो प्रभाव है, गुरु जी से दिया हुआ मंत्र का प्रभाव असर नहीं करेगा पूरा। दीक्षा काली शिष्य करें आत्मसमर्पण, उसी समय जब शरणागति ठीक है तो दिव्य ज्ञान पैदा हो जाएगा। और दिव्य ज्ञान पैदा होना ये बड़ा बात है, ये कोई मामूली बात नहीं। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने का साथ साथ भजन का जो रास्ता है खुलता है। इसका पहले भजन का रास्ता उतना नहीं खुलता। थोड़ा बहुत 50% दिव्य ज्ञान हुआ नहीं, बाकी मिलावटी है विषय और चित वस्तु, चित जड़ समन्वय हो जाएगा तो बात बोलते थे। लेकिन दिव्य ज्ञान जब हृदय प्रकाशित तो हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो, उसी समय भक्तों का भजन करने का रास्ता खोलता है। दिव्य ज्ञान प्रकाश करना, प्रकाशित हो जाना ये बड़ा बात है, ये कोई मामूली बात नहीं। लेकिन फिर भी दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट हो जाना। आई बात समझ में? दिव्य ज्ञान गुरु जी से मिला है, शरणागत हुआ है, शरणागत हुआ है ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिव्य चक्षु के द्वारा पहले गुरुचरण का दर्शन पक्का हो जाए। गुरु जी के हृदय में क्या है, गुरु जी का भाव क्या है, गुरु जी का क्या पसंद है नहीं है, भजन का रास्ता मार्ग जो है, गुरु जी कैसे चलते हैं, कैसे सिखाना चाहते, पूरा तमाम। इसको ही प्रभुपाद काल बताया था डोवी टेल्ड, इसको बोले टोटली मैचिंग। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, हमको संबंध ज्ञान हो गया, अनंत विश्व का एक दर्शन हुआ हृदय में, ये अनंत ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ, बेसहारा हूँ, गुरुचरण के अलावा, गुरुचरण के सहारे के बिना मैं अकेला हूँ, मैं बहते जा रहा हूँ माया पे, माया का स्ट्रीम पे, ऐसा जो अनुभव है दिव्य ज्ञान के द्वारा हृदय में आता है। दिव्य ज्ञान हृदय में आने के साथ साथ इन रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी वर्ल्ड, अनंत विश्व का रेस्पेक्ट में, बैकग्राउंड में मेरा जो क्षुद्र हो क्षुद्र अस्तित्व है, इसका अनुभव होने के बाद ऑटोमेटिक हमारा अंदर में दैन्य पैदा होता। अरे मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, क्या ठिकाना है मेरा, ऐसा जो भाव पैदा होता है, इस सबसे बड़ा चीज है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने के बाद गुरु जी का सेवा करना, गुरु जी का दर्शन करना, गुरु जी का सेवा के द्वारा फिर भक्ति लता बीज जो गुरु जी दिया है उसको परिस्फुटन होना, एक ग्रेजुअल प्रोसीजर। दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने के बाद पहला काम है गुरु जी को दर्शन करना, क्या गुरु जी है, गुरु जी के हृदय क्या है, गुरु जी के हृदय में क्या है। हमने अपना मनमानी सेवा कर दी, अरे हमको समझना चाहिए क्या करने से गुरु जी का प्रसन्न होगी, प्रसन्नता गुरु जी का जो प्रसन्नता कैसे होगी। हमने अपना मनमानी सेवा किया, ये कर दिया, ये रसोई कर दी, ये कर दिया, खाओ, ये तो मनमानी सेवा है, मेटेरियल सेवा। मेरा कहने का मतलब है जो जितना ऊंचा साधु का संग किया, वो भी साधु का संग किया ओपन हार्ट,
दिल खोल के उसका हृदय में सेवा का भावना जो है भरपूर पुष्टि हो जाने का व्यवस्था हो जाएगा। सेवा का जो सौष्ठव है, सेवा का जो एक्सीलेंसी है, सेवा का जो फाइन आर्ट है, मेरा गुरुजी किताब लिखा था, मेरा गुरुजी बोलना ठीक ही नहीं है, मेरा गुरुजी कैसे हो, मैं क्या सेवा किया गुरुजी का, तो गुरुजी का हम लोगों का गुरुजी का जो सेवा जो किया है, जो गुरुजी आर्ट ऑफ साधना लिखा है, एक किताब लिखे आर्ट ऑफ साधना, इसमें गुरुजी वेरी एनालिटिकली व्याख्या किए कैसे कैसे आगे जाना है। आर्ट ऑफ साधना, आर्ट ऑफ गुरु सेवा सीखना है, ये सीखने में बहुत समय लगता है, और जब ही सीखने के बाद ही गुरु सेवा बन पाता है। पहले जो है गुरु सेवा मनमानी, हाँ ऐसे कर दिया गुरुजी, हमने यही कर दिया, हम ठीक है कर दिया, तुमने पूछा नहीं गुरुजी का हृदय का संतुष्टि विधान हुआ करे, तुम्हारा सेवा किस लिए, तुम्हारा जो सेवा किया गुरुजी प्रसन्न हुआ कि नहीं, इसका अंदर में कितना प्रसन्न तो हुआ, मैंने प्रैक्टिकली देखा ना, मैं पूरा पागल हूँ, है गुरु सेवा कैसा है उतना जानकारी नहीं था, लेकिन कृपा ही कृपा के द्वारा अपने आप हृदय में होता है, गुरुजी इसमें प्रसन्न होगी, गुरुजी का प्रसन्नता हूँ। कलकत्ता प्रेस से सारे आने का बाद छलांग लगाकर गुरुजी का कमरे में जाते थे, जाने का साथ साथ गुरुजी तो दूर से देखना संभव, चश्मा का नीचे से देख लिया, और चश्मा नहीं होता तो ऐसे ही देख लिया, कोई आ रहा है दंडवत मार दिया, गुरुजी पहले दंडवत मारते थे, और जाके जब देखा मेरा इतना एनर्जी है, इतना छलांग के वो गदी में ले लेते हैं, प्रेस से आया है क्या श्यामल कृष्ण, कब आएगा, अभी आया क्यों नहीं, पूछते थे। अब उसका बाद जो मिलन था गुरुजी का साथ, ये सोचने से मैं पागल हो जाता हूँ, क्या मेरा करोड़ों पिता माता तो ऐसा प्रेम नहीं दिया, मैं कैसे बेईमानी कर सकता हूँ। करोड़ों पिता माता का प्रेम गुरुजी का प्रेम का बराबर नहीं था। अगर ये बात मेरे को समझ में नहीं आया तो कैसे सेवा किया। ये जो प्रेम है, अंदर का मिलन है, ये गुरु शिष्य का अंदर में सबसे बड़ा चीज है। बाहर में आदमी मिले को माला चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पैर धुलाया, ये तो मामूली बात है, ये तो आदमी करते रहेगा, आदमी का कोई अकल नहीं है, अगर हम सेवा नहीं भी किया हमारा आरती उतारने आ जाएगा, मेरा शर्म आता है किसी से कोई पूजा लेना, कोई मेरा प्रश्न नहीं, हमारा इच्छा नहीं, मेरा एक ही बात है आशीर्वाद कर दो, वो अपराकित जगत का कथा हृदय से निकाले, आप सुनते रहो, यही मेरा पूजा है, यही मेरा प्रणामी है, ये मेरा सेवा है, यही मेरा प्रार्थना है आप लोगों के पास। ये सेवा करने का बाद जो सेवा कलकत्ता प्रेस में किया, एडिटिंग किया, जो किया, हम लोग लैंग्वेज का आदमी नहीं है, सिर्फ ये गुरुचरण का कृपा के द्वारा कैसे संभव है, मैं लैंग्वेज का आदमी नहीं हूँ बिल्कुल, गुरु जी का कृपा के द्वारा होगी, और गुरु जी का अंदर में जो प्रेम है मेरा पुत्र, ये जो रेसिप्रोकेट करते थे मेरा आनंद, मैं जो आनंद से उछल पड़ता था, गुरु जी भी इसमें गुरुजी रेसिप्रोकेट करते थे, ये तेरा आनंद है मेरा आनंद से आया है, मेरा सेवा आनंद जो है ये तेरा अंदर में दिया है, ये वाणी सेवा का। वाणी सेवा करने का पहले एक बात सोचना है, गुरुजी का चरण में, वैष्णव के चरण में मेरा शरणागति कितना हुआ है, अगर 80% भी हुआ है तो भी वाणी सेवा में गैपिंग रह जाएगा, क्यों वैष्णव लोग बार बार कहते हैं जे गुरु वैष्णव का एक शब्दों न निकल ना जाए, क्यों, अभी तो बद्धावस्था में है, हाँ ठीक है शरणागत दिखाया 60% 80% ठीक है, फिर भी ये जो 20% गैपिंग है, ये जो गुरु जी का वैष्णव का हृदय का साथ टोटली एकाकार नहीं होने जाने से वाणी सेवा में अनुवाद हो कुछ भी हो उसमें गलती होना स्वाभाविक है, ये कोई दोष नहीं किसी का, ये स्वाभाविक है, टोटली हार्मोनाइज होना ये कोई मामूली बात नहीं, कब शरणागत हो, कब गुरुजी का चरण का भाव समझे, कब एकाकार हो जाए, तब गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी तो वाणी का स्वरूप है,
पहले बात ये गुस्सा करने का बात नहीं है, गुरु जी तो वाणी का स्वरूप है, गुरु जी रक्त खून पसीना का एक तो रक्त मांस का तो एक एक आदमी नहीं है, गुरु जी वाणी का स्वरूप है। गुरु जी का वाणी का स्वरूप का साथ मेरा गैपिंग रह जाएगा, जब तक गैपिंग रह जाएगा तब तक अनुवाद हो कुछ भी व्याख्या हो उसमें गलती नेचुरली हो सकता है, ये हो सकता है। इसीलिए भरपूर कृपा लेने का प्रयत्न करें, उसका बाद धीरे धीरे आगे चले। जो बात हमने पहले चर्चा किया था जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरा पहला हमारा मकसद है गुरु जी के हृदय में प्रविष्ट हो जाए। गुरु जी करुणा करने दिव्य ज्ञान दिया, भक्तिलता बीज ये ठीक है, धीरे धीरे सेवा का जो चतुराई है इसके द्वारा गुरु जी के हृदय को जीत ले, खरीद ले, गुरु जी के हृदय को खरीद ले, बस उसका बाद ही अनंत देव मतलब गुरु जी का साथ मेरा कनेक्शन हो गया। और इसके बाद जो चार किस्म का जो डिफेक्ट्स नेचुरली वी कैन सी इन ऑल बॉन्डेड सोल, तमाम बद्ध जीवों का अंदर में भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटाप, ये चारों दोषों से मुक्त हो जाए। ये चारों दोषों से मुक्ति हो जाने के बाद कौन हो सकता है, जो गुरुमय हो जाता है, जो गुरुमय हो जाता है जिसका हृदय में और कुछ चीज का कोई स्थान नहीं है। अभी मेरा हृदय में बहुत सारी चीज है, प्रतिष्ठा का काम, कामनी कांचन का, मेरा दूसरा सोसाइटी का चिंता, ये सब है। जब हमारा हृदय में कोई जगह नहीं खाली, टोटली गुरुमय हो जाए मेरा हृदय, तब वाणी सेवा में कोई गलती होना संभव नहीं। एक उदाहरण दे दे, जैसे श्रील वामन गोस्वामी महाराज, वेरी इजी उदाहरण, ये कोई गप नहीं है, हमने प्रैक्टिकली देखे हैं कैसे संभव है। जो भी बोलता है, जो भी करता है, जो भी लिखा है, एक भी उसमें कोई गलती नहीं है, एकाकार हो गया। ऐसा गुरु सेवा होने का बाद ही भगवत दर्शन का प्रसंग आता है, उसका पहले इट इज वन काइंड ऑफ लाफिंग स्ट्रोक, हास्यास्पद, हंसने का बात, हा हा मजाक उड़ाने का बात है। मैं जानता हूं कभी कभी गुस्सा हो जाता है आदमी सब सुनने से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो जो भी है, कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, इस श्लोक का चर्चा करो, सुनने से ही समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है। सर्वम गुरवे दत्या, सब गुरु को समर्पण करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अंतरात्मा से सारे कुछ गुरु के अर्पण कर देना, तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण, ये बोलना बहुत इजी है बोलना बहुत, गाना बहुत इजी है। अब गा दिया और लोग के क्लैपिंग कर दिया, तालियां बजा दी, तन मन जीवन गुरुपदे अर्पण ये बोलना बहुत इजी है, वो गा लेते हैं, लेकिन इसमें प्रतिष्ठित होना जरूरी है, इसमें प्रतिष्ठित हो जाना बड़ा जरूरी है। मैं दो एक एग्जाम्पल दूं, किसका जवान से अप्राकृत जगत का हरि कथा फ्लैट फ्लैट का माफिक, जैसे बार आया बार का माफिक आ सकता, ये दो एक उदाहरण दे दे उसके समझ में आएगा। पहला उदाहरण दे, जड़ जगत से हम अपना मन को विड्रॉ कर लेना ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि विड्रॉ कैसे करें, अपना कोशिश से तो होगा नहीं, गुरु की पास चाहिए। जड़ जगत से मन को हटा लेना पूरा, ये भी अपना चेष्टा से होने वाला नहीं। एक दफे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी को किसी भक्तों ने जगन्नाथ मंदिर का बारे में प्रश्न किया, बोले भोपाल जगन्नाथ मंदिर जगदीश का मंदिर है, इसका अंदर में इतना स्कल्पचर जो है, भास्कर जो है, इतना घटिया है, क्यों ऐसा इतना खराब, सिर्फ सब चीप दीवार में खुदाई किया है। भोपाल में हंसकर उत्तर दिया, ये खराब नहीं है, ये मंगलमय है। मंगलमय है कैसे, बोले हाँ ये गीता का ही भी प्रसंग आएगा ना, अभी अर्जुन चर्चा करे, भगवान बोलते रहे,
इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो जगन्नाथ जगदीश को दर्शन करने का पहले जगत दर्शन समाप्त तो होना चाहिए। अगले हफ्ता इस बारे में और डिटेल चर्चा हो पाएगा। जगन्नाथ दर्शन करने का पहले जगन्नाथ दर्शन करने का ख्वाहिश है, दिल में इच्छा है, इच्छा पूर्ति नहीं होगी। क्यों कैसे हो? जब जगत दर्शन समाप्त तो हो जाए, इसमें स्त्री पुरुष है, लड़की है, लड़का है, ये घटिया चीज है, सारे तमाम खून पसीना ये सब दर्शन हो रहा है, तब तक जगत दर्शन संभव नहीं, जगन्नाथ दर्शन संभव नहीं। गुरु वैष्णव का दर्शन में जगत दर्शन बिल्कुल नहीं है। अगर जगत का पास दृष्टि है तो, लेकिन वो भी भगवत संबंध के द्वारा, भगवत संबंध में, भगवत संबंध के द्वारा ही दर्शन होता है, ये जगत दर्शन नहीं है, ये वैकुंठ दर्शन है। अपमान करे खमा खा, बदनामी दे रहा है, बदनामी दे रहा है, खमा का अपमान करे, इतना इतना कोशिश करने के बाद गुरु वैष्णव को अपमान कर रहा है, खमा खा बेईमानी कर रहा है, विश्वासघातकत कर रहा है, ट्रेचर बदनामी कर रहा है, आकार कोई कारण नहीं। कारण एक है क्यों उसको मंगल करने गया, क्यों उसका मंगल करने गया, इसीलिए मेरा अमंगल हो सोच रहा है। मंगल करने अगर नहीं जाते तो हमारा आक्रमण नहीं होता, हमारा पास इतना आक्रमण क्यों आता है? व्हाई पीपल गोइंग टू अट्रैक्ट मी? कोई मेरा पास कोई बंदा है, कोई आचार्य, जो कोई एक दिखाओ मेरा साथ है जो बाबा ठीक बोल रहा है, हमने प्रमाण दिखा देंगे, डॉक्यूमेंट दिखा, फिर भी वो लोग आएगा नहीं मेरा साथ, वो जानता है एक्सक्लूसिव है, हम जाए तो हमारा नंगापन सामने आ जाएगा, मुश्किल है, हम तो वीक है, मुश्किल हो जाएगा, वीक पॉइंट है। सबसे बड़ा बात यह है कि हम उसका मंगल करने गया, प्रभुपाद कह रहे हैं जो मंगल करने जाता है उसका ऊपर ही आक्रमण होता है, जो मंगल करने नहीं जाए, माया का साथ एडजस्टमेंट करके चल रहा है, उसका आक्रमण काहे का, वो तो हर सोसाइटी का एडजस्टमेंट, हाँ महाराज सब चलेगा, ये वैष्णव में सब चलता है, प्रभुपाद गलती बोला है, प्रभुपाद झूठा है, ये लोग ठीक है। और जब प्रभुपाद का उत्सव मनाता है ना, उनको हंसी लगता है, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, हमको हंसी लगता है, हैं तोता। निष्किंचन महाराज कहते थे हमारा, है ना, ऐसा ही है। तो जयकारा देने का पहले प्रभुपाद का आचार आदर्शों को पालन करना जरूरी है। मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा बात नहीं बोलना चाहते, कोशिश कर रहा हूँ, बात इतना ही काफ़ी, चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद का पास जो ये प्रश्न आया था, प्रभुपाद जी बोला है तो ठीक है, जिसका जगत दर्शन है उसका काहे का जगन्नाथ दर्शन, चाहे वो जोर जबरस्ती जगन्नाथ मंदिर में घुसे, पांडा को 200 रुपया 500 रुपया प्रणामी दे दे, हमको दर्शन होना चाहिए, यहाँ तक कि जगन्नाथ का शरीर, जगन्नाथ का जो प्राकृत शरीर है ना, जड़ शरीर है, जगन्नाथ का शरीर के सामने जाना चाहता है, जगन्नाथ का शरीर तो प्राकृत है ना हमारा मापी, इसीलिए जगन्नाथ का शरीर के सामने हमको छूने का व्यवस्था कर दो। अरे गाधा, उल्लू का पट्ठा, जगन का बेदी में चढ़ जाता, पांडा लोग भी पैसा दे दो, चलो चलो ले लो, काट का पुतली देख के आओ, ये मेरा जगन्नाथ दर्शन है, पैसा दे के जगन्नाथ दर्शन हो गया। इसीलिए आदमी मर रहा है। जगन्नाथ भगवान वैकुंठ दर्शन करने का जो चेष्टा है, ये एकमात्र गुरु वैष्णव के कृपा के अलावा हो नहीं सकता, ये समझ नहीं रहा, ये अपना ताकत का पर भरोसा रखता, हमको हम पैसा वाले हैं, नंबरदार हैं हम, हमारा पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, हमारे पास गुंडा है, सब कुछ है, पावर है हमारे पास, सब कुछ है, पैसा का पावर है, सब कुछ है। वो लोग बोलते रहते हैं मनी पावर इज द बेस्ट पावर, टाइम इज मनी, प्रभुपाद कहते थे टाइम इज परमार्थ, कौन छागल बोल रहा है, टाइम इज मनी, कौन छागल बोल रहा है, उल्लू का पट्ठा बोल रहा है, टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज परमार्थ है, प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो भाजी ने बोला देखो जिसका जगत दर्शन, जो लोग जगत दर्शन में लगे हुए हैं, जो लोग जगत दर्शन में लगे हुए हैं, चाहे जितना लंबा लाइन लगा दे,
तिरुपति में इधर उधर उसका क्या, तिरुपति का दर्शन हो न जगत जगन्नाथ का कैसे दर्शन हो, संभव नहीं है, कैसे दर्शन करे बेचार। खमा खा जोर जबरस्ती धक्का मुक्की करके जगन्नाथ के सामने पहुंचा, जगन्नाथ दर्शन तो हुआ नहीं। पोपात कहते हैं ओ ये जो पुई का माचा, ये बंगला में बोलते हैं पुई साग है, हैं एक किस्म का साग है, बंगाली लोगों को बहुत पसंद करते हैं, हम तो खाते नहीं, ये तो निषेध है, निषेध है, हरिभक्ति विलास में इसको आमिष बोला गया, लेकिन खाता है जो भी है। अब ये जो है प्रभुपाद कहते हैं पुई का माचा, माचा माने एक तो सपोर्टिंग करने के लिए एक तो मच्छा बना देते थे बम्बू का, उसको क्रिपर है ना, उसको पकड़ के धीरे धीरे उठता है। प्रभुपाद कहते ये लोग जगन्नाथ दर्शन करने गया, पुई का माचा देखा पुई का माचा, प्रभुपाद कहते थे ये जगन्नाथ दर्शन करके आया कि पुई का माचा देख के आया, क्या देख के आया कौन जाने। तो प्रभुपाद कहते थे नहीं ये खराब नहीं है, ये भगवान का व्यवस्था है, जो जगत दर्शन में लगे हुए हैं तो ठीक है वो जगन्नाथ जगत दर्शन करे, वो जगन्नाथ दर्शन कैसे करे इसीलिए बनाया, तो समझ में आया वो ठीक है। और शरणागति क्या चीज़ है ये कोई हमारा लेक्चर देने का विषय नहीं है, जितना लेक्चर देंगे उतना हम वीक बन जाएंगे, इसे लेक्चर देने का इच्छा नहीं है इस विषय पर कम से कम, क्योंकि ये लेक्चर देने का विषय नहीं है, ये डायरेक्ट फीलिंग का विषय है। इस विषय में जितना हम लेक्चर दें उतना ही हम हमको फीडबैक मिलेगा, क्योंकि लेक्चर देने का चीज़ नहीं है, ये अनुभव का चीज़ है। शरणागति होने का बाद कैसा भाव हृदय में पैदा होता ये तो समझने वाला बात। एक दफ़े गुरुजी हमको सिखाया पुरुषोत्तम धाम में, नीलाचल धाम में एक दफ़े गुरुजी हम बोला शरणागति का विषय गुरुजी बोलते, अकेला मैं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, अकेला था मैं, और गुरुजी दिखाया मेरे को, बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम बोले आपका संन्यास का दंड है, हाँ तो दंड तो है ही है, लेकिन वो कहाँ तक खड़ा रहेगा। हम बोला आप जब तक इसको हिलाओगे नहीं, हाँ ये बात को समझो, जब तक हम हिलाएंगे नहीं तो खड़ा ही रहेगा, और जब हम सुला देंगे सोए रहेगा, अपने आप कुछ करने का हिम्मत नहीं है। ये समझो कि शरणागति का भाव, जैसे गुरु जी का भाव है ये भाव मेरा है, गुरु जी का ऊपर एट्रीब्यूट कर दो गुरु जी, अरे हम समझा ही नहीं गुरु जी का हृदय, गुरु जी का हृदय में समझा नहीं। गुरु जी बोला ठीक है चलो ठीक है, अच्छा अच्छा हुआ हम समझा नहीं, गुरु जी अभी संतुष्ट हुआ नहीं, ये नहीं है प्रोसीजर, हमने कर दिया। केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं इट इज वन काइंड ऑफ ऑटो सजेस्टिव मेथड, ऑटो सजेस्ट, हमने गुरु जी का हृदय संतुष्ट हुआ कि ये परफेक्ट सेवा हुआ, हमने कर दिया अब चलो कोई बात नहीं। केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं परम पूज्य केशव में मेरा सबसे प्यारा गुरुवर्ग, वो कहते हैं देखो इट इज वन काइंड ऑफ ऑटो सजेस्टिव मेथड, हृदय हृदय का अंदर क्या है गुरु जी का ये समझना हर कोई का बस का बात नहीं है। जो उदाहरण काल ना आगे का दिन दिया था याद है ना, जो जो विनोद बाबू को विनोद प्रभु को बोला ना आपका माँ अब मैया असुस्थ है मैके चले जाओ घर में चले जाओ, गया नहीं। एक केशव गोस्वामी हरि कथा में कह रहे हैं प्रभुपाद जी के सामने रो रो के फूट फूट के रोए और बोले प्रभुपाद हमको परीक्षा ले रहे हैं, आप हमको परीक्षा ले रहे हैं क्या, इसीलिए कह रहे हैं सर मेरा पिता माता भाई बंधु कुछ नहीं है आप ही है, जभी तो इतना पावर आया, ये तो नित्य पार्षद है। और पावर ये शब्द भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पावर ये शब्द यूज़ करने से टीकाकारों ने टिप्पणी जो करेगा ना वो कर देगा, जो पावर ये शब्द यूज़ कर रहा है इसका अंदर में प्रतिष्ठा लेने का जगत को बस में लाने का कोई प्रयास प्रचेष्टा है, समझा, ये पावर शब्द यूज नहीं है, कृपा ये सबसे बड़ा इस शब्द है कृपा, ये पावर शब्द माने क्षमता, पावर का बंगला के उन्माद कर संस्कृत में पावर क्षमता, अरे क्षमता लोलू हम तो क्षमता नहीं चाहते, ठाकुर जी मेरा सारे क्षमता ले ले बस मेरे को बना दे कृपा दे दे, जैसे दीनहीन मेरे को कुचल के जाए, मेरा माथे में लाठी मारे मेरे को कुचल के जाए, मेरा ये इच्छा है। फिर भी सत्य वचन कहते रहो,
देखूं कि हमारा गुरुजी का कृपा मेरे ऊपर हो कि नहीं हो, यही भक्तों का ये अर्जी है। बाकी आगे भगवान का मर्जी है, हमारा अर्जी है ये, बाकी आपका मर्जी है, आपका इच्छा है करो नहीं करो तो नहीं। जैसे भी स्थिति में मेरे को रख दो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई असंतोष भाव नहीं है, संतोषी बाबा बनना चाहिए। नहीं तो अंतिम में जाके जो रागानुगा भजन में प्रविष्ट होना है रूपानुगो, उसमें अश्लिष्ट व पदरतम पिनष्टुमम अदर्शनात् मर्मातुम करतुबा यथा तथा विधात लंबट मत प्रणाथ सुना प्रा, ये शब्दों बोलने का हिम्मत नहीं होगी। कैसे बोल, धोखेबाज है मैं क्या? धोखेबाज क्या ये शब्द कह सकता है? धोखेबाजी में प्रवचन में कह दिया और जिंदगी में कुछ नहीं है, फंका नाल एंड बॉयड, ये धोखेबाजी का बात है। एक एक शब्दों में प्रतिष्ठित होना जरूरी है, एक एक शब्दों में प्रतिष्ठित होना जरूरी है, जब ही आगे चल के एक कृपा मिले। एक क्षमता ये शब्दों हम यूज करना नहीं चाहते, बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, इसमें गलती है। हम तो क्षमता नहीं चाहते, क्षमता ले लो ठाकुर जी, हमारा कोई एफिशिएंसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आदमी कहे कि वो निकम्मा है, बेकार है। जैसे प्रभुपाद का एक कहानी, एक घटना बताए ना, जे प्रभुपाद का इतना दर्शन है, क्लियर दर्शन भाई, प्रभुपाद का दर्शन मतलब पूरा छानबीन करके देख ले। गौड़ीय मठ में बड़ा बड़ा प्रवचन देने वाला आदमी थे, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं। प्रभुपाद को मालूम था जब दे आर ऑल शो बॉटल, शो बॉटल जानते हो ना, आयुर्वेदिक दुकान में बड़े बड़े, आज का जमाने में पहले साधना औषध अल्लाह आदि डाका औषध है, ये सब बड़े बड़े दुकान पे बड़े बड़े बॉटल, शो बॉटल, ये जैसे गारमेंट का दुकान में पुतली एक लड़की का कपड़ा चपड़ा देके, ऐसा है शो बॉटल। प्रभुपाद को मालूम था ये लोग शो बॉटल है, प्रतिष्ठा चाहता है, ओ अच्छा प्रवचन वाले हैं, मैं गौरी अमर का कितना कुछ किया, समझा। प्रभुपाद कुछ नहीं कहते थे कि क्या कहे, जितना भी हरि कथा सुने अगर अनुभव में नहीं आए तो ये क्या करे, ये पुलिस का मापिक तो डंडाबाजी नहीं चलेगा, वो क्या करे हैं। तो प्रभुपाद जी, वो लोग सोचते थे, प्रभुपाद ऑलवेज थिंकिंग दैट वी आर बिग पर्सनैलिटीज, वो लोग सोचते थे गौड़ीय मठ के अंदर हमारा इतना वैल्यू है, प्रभुपाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सोचते थे। और प्रभुपाद चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दफे ऐसा एक घटना हुआ, एक सामान्य सेवक है, सामान्य सेवक है, ये केशव गोस्वामी महाराज का अनुभव का बात है, ये कोई गप नहीं है। केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं कभी कभी ऐसा देखा जाता था, बहुत सामान्य सेवक है, पत्तल फेंकते हैं और प्रसाद का जगह साफा करते हैं, बागान में चौकीदारी करते हैं, कुछ भी के सामान्य बात हैं, उसका लिए प्रभुपाद का इतना बेचैनी था। अरे कहाँ गया, अरे वो सेवक कहाँ गया, उसको देखता नहीं है, सुबह में भी देखा नहीं, कहाँ गया वो। कैसे क्वेश्चन भरे, बहुत सामान्य सेवा है, बाहरी दृष्टि में सेवा का तो सामान्य भाव बोलना अपराध है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल, मेरा पास तो लैट्रिन साफा करना और हरिकथा बोलना, ये दोनों हम तो समान समझते, जब भी हरिकथा प्रभा आदेश करे वैष्णव कहे, या लैट्रिन परिष्कार करने से भाई वही कर दे, रसी भी किया है, मेरा कोई जगह प्रसाद का जगह भी साफा के एक दिन नहीं है, दिन पे दिन वैष्णव लोग खा के प्रसाद पाके उठा तो जगह साफा किया, दिल साफा किया, जगह नहीं साफा किया। तो प्रभात ऐसा व्यस्त हो जाता है, कहाँ गया, उसको दिख नहीं रहा है सुबह में ऐसा, और इतना बड़ा बड़ा आदमी, मानो कि एडिटिंग भी कर दिया थोड़ा बहुत गौड़िया मैगजीन का, वो अगर मठ छोड़ के चला गया, प्रभुपाद को छोड़ के चला गया, प्रभुपाद का अंदर में कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या गंभीर हृदय है, ये समझने का कोशिश करो। मैं जो सीक्रेट बात कहता हूँ भजन का, ये कभी नहीं सुनने वाला, आप सुनोगे कैसे सुनोगे, कोई बोलेगा नहीं, बहुत सीक्रेट बात है, गुरु का हृदय समझने का तरीका है। इतना
वो लोग सोचते हैं इतना सेवा किया हम, लेकिन पोपात का अंदर में कोई बेचैनी नहीं है, चला गया ठीक है, किसी को ऑयलिंग नहीं करते थे पोपात। क्यों? गुरु वैष्णव का अंदर में, गुरु वैष्णव का अंदर में ऐसा वैकुंठ दर्शन है कि किसी का हृदय देखे, चाहे वो पत्तल फेंके प्रसाद का, चाहे सफाई करे, उसका हृदय कितना साफा है, वो कितना प्रीति रखता है मुझसे। थोड़ी देर पहले बोला था ना, मैं सामान्य सेवक था मठ का, हमारे पास कोई पावर फॉर नहीं था, ये तो गुरुजी जोर जबरदस्ती हमको जोर जबरदस्ती एक दफे बनाया था मैनेजिंग कमेटी का, हमने इस्तीफा दे दिया, गुरुजी को बोल दिया संभव नहीं गुरुजी, होगा नहीं कुछ, गुरुजी समझ गया हमको मनाया था जोर जबरदस्ती, ये बैस आसन में बैठ के बोल रहा हूँ, झूठा नहीं है, मैंने छोड़ दिया, हमने होने वाला नहीं कुछ, क्या बेकार बदनामी हो जाएगी। तो ये गुरुजी का हृदय में पक्का भाव है, चाहे जितना भी सामान्य सेवक हूँ, लेकिन गुरुजी का दृष्टि है मेरा ऊपर, कितना लगन है इसका, वो सामान्य सेवा जिसको आप सामान्य सेवा कहते हो, ये सामान्य सेवा में कितना लगन है इसका, कितना प्रीति है मेरा ऊपर, कितना अटैचमेंट है, कितना प्रेम प्यार है मेरा ऊपर, ये समझने का जो रास्ता है, ये बड़ा सीक्रेट रास्ता है। बलवान अदरो यस्सो न साध गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरप्य अपि तस्सो शास्त्रोर कृष्णे भक्ति न जायते, अगले हरिकथा में चर्चा करेंगे। श्रीनिवास आचार्य ने बताया एकाकार हो जाएगा, एकाकार हो गया श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज एकाकार हो गया, उसका उदाहरण अगले सप्ताह हम देंगे, चर्चा करेंगे, इस विषय में हैरान हो जाओगे कैसे संभव है, गुरु जी के हृदय में क्या है, क्या चाहता है नहीं है। और एक उदाहरण दूं, हरि कथा बोलने का बाद, कीर्तन बोलने कीर्तन करने का बाद, हमने देखा है कई महापुरुषों का साथ, इन लोगों का इच्छा का अनुसार, आदेश का अनुसार कोई प्रचार टीम में गया था, लेकिन देख के हम हैरान हो गया कि ये कीर्तन है, ये कीर्तन है क्या, इसको कीर्तन बोला जाता है, ये क्या हो रहा है, इट इज वन कैन अम्यूजमेंट, फिर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, डंडा पड़ेगा हमारे माथा पे, चुपचाप रहो, हमको क्या दरकार है, जो होता है उन्हें दो। कीर्तन करने के बाद, हरि कथा बोलने के बाद, ये सोचता है कि मैं बन गया लॉर्ड, बन गया लॉर्ड कार्जन बन गया। हम बोले हरि कथा बोलने का तो ये तरीका नहीं है, जो जितना हरि कथा बोले, जो जितना कीर्तन करे, उतना ही उसका अंदर में हम्बल एटीट्यूड आएगा, विनम्र भाव आएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, अरे हम कुछ नहीं बोल पाए, अरे कुछ नहीं कीर्तन कर पाए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए कीर्तन है मेरा, अब किसी ने तालियां लगाए कि नहीं लगाए कि बॉम्बे में बंगालोर में उसमें क्या आता जाता है मेरा, है कोई आता जाता है क्या? जैसे एक उदाहरण दिया था याद है ना, एक महाराज भक्ति प्रकाश अरुण महाराज का ये हरि कथा ना, ये भक्ति प्रकाश अरुण महाराज नहीं, और एक महाराज जो हरि कथा एकदम सफा कहते थे, पक्का हरि कथा, लेकिन आदमी को पसंद नहीं था, हरि कथा का रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा था कि आधा आम आदमी उठ के चले जाते थे, सुनते नहीं थे, लेकिन ये बोलते थे बहुत पक्का बात, एक भी गलती सिद्धांत नहीं है, लेकिन आदमी नहीं टिकते थे, अरे महाराज शुरू किया प्रवचन जी चले गए चले, और जब तक कीर्तन में नाचा कूदा हुआ है तब तक तो ठीक है चल रहा है, और बाकी सब प्रवचन शुरू हुआ, ये महाराज क्या बोल, क्या बोल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और हमारा कोई कोई जगह में ऐसा तो है कोई समझे नहीं समझे, महाराज क्या सुनाया, हमको भी बोला हमको हंसी लगा, अरे महाराज क्या सुनाया, क्या समझा तुमने, कोई समझा नहीं, दूसरा का मायावादी आया उसको बुलाया कि अब क्या करे ओ महाराज क्या सुनाया आपने, मैंने इसको अकल ही नहीं है, वो हरि कथा क्या चीज है, क्या शब्द ब्रह्म कुछ, अब बोल दिया ये महाराज। एक दफे मिदनापुर में हरि कथा बोलने का बाद, हरि कथा बोल रहे थे अंतिम, और सारे आदमी उठ के चले गए, हरि कथा का बाद महाराज जी सेवक को लेकर गौड़िया मिशन में, बागबेर गौड़िया मिशन में आने का, तब तो एकाकार था, तब तो डिवीजन नहीं हुआ था, वो बात का जमाने,
और जेब में प्रणामी भी नहीं मिले, प्रणामी नहीं मिले, तो बाकी जो खर्चा पानी हुआ था उधर तो खर्चा कर दिया बेचारा, और कुछ प्रणामी नहीं है, किसे मांगे भी नहीं, और ठीक है ट्रेन में आए बिना टिकट, कोई टिकट नहीं है और पैसा नहीं है तो टिकट कैसे खरीदे, और ट्रेन में आए तो हावड़ा स्टेशन में टीटी पकड़ा, टीटी को सारे समझाया, देखो हमारा पास ऐसा कुछ नहीं है, देख लो सारे छानबीन करके, अब हम कहाँ करें, हमको तो जाना है, प्रभुपाद का कृपा के द्वारा समझाया और टीटी ने छोड़ दिया। फिर नदी क्रॉस करके गंगा पार करके फिर उसका बाद गौरी मिशन में आ पहुंचे, और उसका बाद प्रभुपाद अंतर्जामी है, प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद को पहले से खबर था वो आने वाला है, प्रभुपाद समझ गया, प्रभुपाद सेवकों को आदेश किया, ए प्रसादी माला लेके कीर्तन करके मृदंग और कीर्तन ले कीर्तन करके थोड़ा आगे जाओ, महाराज जी आ रहा है उसको लेके आओ, समझा, रिसीविंग पार्टी भेजा प्रभुपाद जी ने गौड़िया मिशन का गेट का बाहर, वो लोग जाके आगे चल के कदम बढ़ा के उसको सम्मान करके माला चढ़ा के बढ़ाया, प्रभुपाद के सामने आया, प्रभुपाद का दंडवत किया, प्रभुपाद ने एकदम आनंद के साथ बोला, आप गौड़िया मठ का प्रचारक है, कोई स्वार्थ नहीं है आपका, कोई कोई प्रणामी दे, कोई तालियां बजाए, किसी का ऊपर आप, किसी चीज का ऊपर आपका नजर नहीं है, आप गौड़िया मठ का वास्तव प्रचारक है, चाहे एक आदमी सुने, हमारा भी ये मकसद है, पूरा पूरा दुनिया मेरे को ठुकरा दे ये बाबा ऐसा बोलता है, ठीक है चलो दो आदमी एक आदमी तो सुनेगा, वो तो भक्त बनेगा, हैं मेरा जो मसाल है, हैं जो टॉर्च है मेरा जलते रहेगा, ठीक है ये तो जलते रहेगा, बस बुझना नहीं चाहे। गौड़िया खानदान में आप लोगों के पास किसी का अगर क्षमता है, ऐसा व्यवस्था करो, ऐसा व्यवस्था अरेंजमेंट करो जिसमें गौड़िया खानदान में बच्चा बच्चा लड़का है या तो नौजवान धीरे धीरे जिसका इच्छा है वो भक्त बने, फ्यूचर में पूरा गौड़ीय सिद्धांत सुने, किसी का पास अगर पैसा है पैसा को इसी का लिए इस्तेमाल करो, मठ बनाने का कोशिश मत करो, ये कोमोड बन जाएगा, खाओ पियो आराम करो। प्रभुपाद बोला इसको ये मतलब नहीं गौड़ीय मठ से, इसका गौड़ीय मठ से इसका मुझे मतलब नहीं है, कोई किसको किस लिए रखा गया इसको, बोले महाराज रहने दो, एक कीपा नहीं है, एक कीपा नहीं है, ये अमंगल का रास्ता खोलना, ये खाने के गौरिया मठ का एक दाना पानी खाने का इसका हिम्मत ही नहीं है, वजन नहीं कर रहा, गुंडागिरी कर रहा है, इसको रख दो, अच चलेगा महाराज राव कुछ तो करेगा, नहीं प्रभुपाद जी बोले खाली करो। तो प्रभुपाद का ये विचार है, और किसी का पास अगर हिम्मत है पैसा है तो ये काम करे सबसे बड़ा, गौड़िया मठ गौड़िया मिशन गौड़िया खन्नान जो है खाली होने वाला है, इसमें भरपूर हो जाए, वो सीखे कैसे गीता पाठ करना है, और बदमाश लोग ना है क्योंकि वो सीखने के बाद बाहर जाके बिजनेस करेगा, याद है ना प्रभुपाद जी एक दफे, प्रभुपाद जी को एक दफे डांटा था गौर किशोर बाबा, हमार प्रभु ये आपका पास आता है ये गीता पिता ये सब सीखने के, बिल्कुल मत बोलो इसको, ये सीखने का बाद बिजनेस करेगा, अभी प्रवचन करता है अपना प्रणामी का थाली लगाता है, ये बदमाश है, किसीलिए इसको सिखाना नहीं कुछ। पापा जी को डांटा है एक दफे, बिल्कुल वो आए तो चले जाए, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, जा मर मरने जा, ऐसा कोई ईमानदार कोई लड़का मिले वो सीखने का व्यवस्था हो जाए, खाना पीना तो ठाकुर जी दाना पानी ठाकुर जी मिला देगा, मठ करने का वो दिन रात भर के ये सब सेवा करो टुक टाक भगवान का, और ये सब सीखो, सीखने के बाद तैरी हो जाओ। गौड़िया खानदान में देव दो चार मिला था, तकदीर का ऐसा खेल, कोई पैसा का चक्कर में कोई लड़की का चक्कर में सब गया, दो चार मिला था, ये ऐसा दो चार नहीं दो तीन अच्छा है लेकिन गया सब, क्या करें ऐसा ही माया देवी का खेल है, ऐसा चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको इतना आदर किया, इतना आदर किया, अब समझो। और एक बात शरणागति का बात आया तो ठीक है, दो शब्द और कह दे इसका विषय में, मेरा ये एक्सपीरियंस अनुभव से कह रहा हूँ, पहले ही जब वृंदावन में स्थान मिला था गुरु जी का सेवा में,
कभी कभी मैं राधा रमन दर्शन करने सेवा का बात अवसर पर अवसर समय पर राधा रमन दर्शन राधा गोकुलानंद दर्शन के लिए निकालते थे। सेवा करने के बाद जल्दी जल्दी भागते थे दर्शन करके आ जाए। दर्शन में मेरा बहुत मजा मिलता था, आजकल जाता नहीं कि समय नहीं मिलता। और उस समय प्रायः ये दर्शन हुआ करता था एक बाबा लाल कपड़ा का, किसका शिष्य है मैंने पूछने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जब तक मेरे मैं दर्शन करने के जाता रात का समय 8:30 बजे वो बाबा अकेला लाल कपड़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ा बाबा है, एक करताल लेके करताल ठोक के एकदम माथा नीचू करके शर्मिंदा के एकदम पराकाष्ठा नीचा करके गोकुलानंद के सामने, जैसे कि देखने का भी आप मेरे को देखो ये भी लायक नहीं हूं, ऐसा शर्म के मारे सर झुका के कीर्तन करते थे। हमारा अंदर में धक्का लगता था, ये कौन है ये बाबा, अब पूछने का टाइम नहीं, हर बार कीर्तन करते रहते, बहुत बार देखा। अब बाद में बाबा का साथ बात करी ये सोचा तो जैसे जैव धर्म में है ना, भक्तिमय ठाकुर बताया बाबा गायब हो गया, अब मिला नहीं, शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उल्लू हूं, तभी मेरे को बात करना था अपेक्षा करके, मठ में डांटेगा इसलिए जल्दी भागा भागा दौड़ी था मेरा, ये उसका साथ परिचय करना जरूरी था, भक्ति मिलना था मेरे को। मैं ये मैंने सोचा ठीक है आज नहीं तो कल मिलेगा, बाबा गायब हो गया, लेकिन वो स्मृति जो है मेरा दिल में अटूट बन के रह गया। मैं आज जब कीर्तन करता हूं हरि कथा मेरे को शर्मिंदा होता है, अरे हरि कथा तो उसका था, उसका तो कीर्तन था, कितना सर झुका के शर्मिंदा होकर ये कीर्तन करते थे गोकुलानंद के सामने। आहा, कीर्तन में कोई मिठास नहीं था, ऐसा नहीं कि दो चार आदमी भाग के आए कौन कीर्तन कर रहा है, मृदंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल में धक्का लगता था, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म था। सामान्य आदमी का माफिक बैठ के कीर्तन करके कब चला जाता 9 बजे, तब तक तो हमारा रुकने का समय नहीं था। अब मैं सोचता हूं ये तो कीर्तन था, ये तो मेरा हरिकथा तो वास्तव हरिकथा है क्या, ये तो कीर्तन करता था कितना सुंदर, और बाबा चला गया। ये जो शर्मिंदा भाव ये आज भी मेरा दिल को धक्का लगाता है, ये तिरणवी होने का कोशिश कर, सर झुकाने का कोशिश कर, जिंदगी जा रहा है, कौन धमकी लगा के मेरे को कह रहा है। जो भी है अभी गीता का भगवान का कहना है, जब अर्जुन कर्तापन छोड़ दे, अर्जुन कर्तापन छोड़ दे, तू कोई नहीं है, मैं हूं, निमित्त मात्र भव सत्व साचे तस्माद तम उत्तिष्ठो जसो लभस्यो जीत्वा शत्रुणो भुंख्यो राज्यम समृद्धम। भगवान ऐसा करते हैं, भक्तों का प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ऐसा मजाक करते हैं उसका पीछे ही दुनिया का प्रतिष्ठा दे देते, वो चाहता नहीं। तित्त महाराज श्रील भक्ति वल्लभ तित्त आचार्य बनना नहीं चाहता है, रोता है हमको क्यों आचार्य, हमको काबिल नहीं है, हम गिरा हुआ इंसान हूं, मेरे को आचार्य बनाया, मेरा मन नहीं गुरु जी बना के गया, अब क्या करे, और रोते रोते भग गया। अरे छी 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 छी, आदमी मेरे को सम्मान करे, प्रणाम दे महाराज। गिरिधारी पंडा का पिताजी पहुंचा गोविंद कुंड में, महाराज आप जाओगे कि नहीं ये बताओ, नहीं तो मैं खुद खुशी करूं, आप जाओगे, चलो मेरा साथ, जल्दी चलो, यह आपका गुरुजी का आदेश है, लिख के गया है,
और रोते रोते पागल हो गए। गुरु जी का आदेश है बाबू गोसाई महाराज के चिट्ठी में, गुरु बनने का इच्छा नहीं है, फिर भी गुरु जी का आदेश है। ऐसा करके माधवेंद्रपुरी बात को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान माधवेंद्रपुरी बात को प्रतिष्ठा देने के लिए दौड़ते। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जई ना चाहे तार है विधाता निर्मित। भगवान ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन कर्तापन छोड़ दे, निमित्त मात्रम भव सर्वसाची, निमित्त मात्र बन जाओ, और सामने जो है द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथा अन्यानुपी अन्यानोपी योध वीरानो मया हतांग स्थांग जही मांग बथिष्ठा युद्धस्व येतासी रणे सपत्नान। ये तुम्हारा सामने जो सब खड़ा हुआ है, पितामह भीष्म द्रोणो भीष्म सारे जयद्रथ सब कर्ण सब मैं मार के रखा हूं, सब मैं मार के रखा हूं, तुम्हारा कोई फिक्र नहीं है, तुम निमित्त मात्रम भव सब्जे, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। ऐसा करके भगवान ने प्रमाण दी। जब भरे सभा में द्रौपदी का अपमान किए दुशासन ने, और खारे काटपुतली बन के सब देखते रह गए, किसी ने बोला नहीं है उचित नहीं है, किसी ने बोला नहीं, तभी वो लोग का आयु जो है सारे हरण हो गया। एक श्लोक दो पहले काल बोला था कि क्या हमको याद नहीं हो रहा है, आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकानाशी सेवच हंत श्रेयांश सर्वाणी महद अतिक्रम महद व्यक्ति महियसी नारी लक्ष्मी का अंश में जन्म, ये सब जो महियसी नारी महान व्यक्ति का अपमान हो जाए साधु संतों का, उसमें पूरा खानदान खत्म हो जाए, ये संप्रदाय खत्म हो जाता है। संप्रदाय मैं तो इतना बोल रहा हूं, जैसे चैतन्य भागवत में है जे नित्यानंद प्रभु को अपमान किया था खामाखा रामचंद्र, याद है ना, यार इस समय ने बोला, अब गोसाई जी ने बोला, गोसाई जी ने आया है कीर्तन पार्टी लेकर, और उसको बोला एक रात को रहने के लिए स्थान चाहिए, बदमाश रामचंद्र खान, इसने बोला ये हमारा गो माता का ग्वाल घर है यहाँ, इसमें बहुत बड़ा जगह है, यहाँ गोसाई को रहने दो। और जब ये मैसेज आया नित्यानंद बाबू का पास, खबर आया नित्यानंद बाबू बलराव जी महाराज हा 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 करके हंसना शुरू कर दिया, हा ठीक बताया, ये बलराम अपना स्वरूप को प्रकट किया, हा हा करके हंसना, ठीक बताया, यही ठीक बताया, यही मेरा जगह है। बस क्या हुआ, नित्यानंद चला गया, उसका बाद मुस्लिम रूलर आया, उसका घर में गोमांस रण किया, स्त्री का बेइज्जती किए, बेटिया रानी का सारे करकत्ता छलूट करके लेके चले गए। बस उसमें वृंदावन दास ठाकुर लिखा हुआ है, कोई महत व्यक्ति का अपमान कोई मठ मंदिर में किसी जगह हो जाए, सावधान होना, किसी जगह, मैं एक एक करके प्रमाण दिखा दूं, शमशान बन गया, कुछ नहीं है, सारे बेकार, कुछ नहीं बचा। जिस जगह जिस मंदिर में जिस सोसाइटी में जिस जगह महत व्यक्ति का अपमान हो जाए वो टिकेगा नहीं, वो एकदम ध्वंस हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए भजन कम करो ठीक है, इसीलिए गुरु जी ने एक किताब लिखा था वैष्णव अपराध, गुरु जी बोलते थे कम भजन हो जाए ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन दुस्साहस नहीं करना,
गुरु वैष्णव का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करना, उसका साथ हिंसा नहीं करना, विद्वेष नहीं करना, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, कोई भी हो तुम। गुरु जी बोलते थे कौन माने, ये सावधान करने वाला आदमी भी नहीं है, जो सावधान करे उसको लात लगा के फेंक दो बाहर, वो सावधान करने वाला भी आदमी हमारा कुछ नहीं है, कौन मेरे को संभालेगा। गुरुवर्ग हो तब तो संभालेगा, कोई संभालेगा। वहां वृंदावन दास ठाकुर महाराज जी लिखा है, महतेर अपमाने, जिस जगह महत का अपमान होता है पूरा गांव पूरा ग्राम उजार हो जाता। वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने बोला, महत व्यक्ति का जहां अपमान होता है तो वहां ग्राम के ग्राम उजार हो जाता, क्योंकि उसका कांटेक्ट में है, उजार हो जाता पूरा। इसलिए सावधान हो के हरिभजन कोई मजाक नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रचार हुआ है। क्या प्रचार हुआ है वर्ल्ड वाइड प्रचार? क्या प्रचार हुआ है? क्या क्या प्रचार हुआ है दिखाओ मेरे को। प्रचार हुआ है, वर्ल्ड वाइड प्रचार हुआ, मैसिव प्रीचिंग, इट्स अ फेक टर्म। एक आदमी को चेंज करना मेरा बस का नहीं काम होता, इतना कठिन है। एक जीवात्मा इतना बिखरे हुए हैं, एक जीवात्मा को बचाना मुश्किल है। मैसिव प्रीचिंग, उल्लू का पट्टा, मैसिव प्रीचिंग। ऐसा करके देखा जाए, भगवान ने कह दिया कि जो सारे मर के रखा हूं और विश्व रूप दिखा रहे हैं, और भगवान याद है जब पहले समाधान करने के लिए सुझाव रचाने के लिए जब भगवान पहुंचे हस्तिनापुर, और कहते वहां पहुंचे सारे पितामह धृतराष्ट्र अंध धृतराष्ट्र सबका सामने भगवान शांति का प्रस्ताव रखे थे, शांति का प्रस्ताव रखे, भले ऐसा करने से देखो हंगामा मच जाएगा, अनुचित नहीं है, क्या करे, समाधान तो इसी में है, भलाई तो इसी में है, अगर मान लो अन्याय तो ठीक नहीं है ना, बेईमानी है, बेइंसाफी है, ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने समझाने के लिए गया, लंबा चौड़ा समझाए, लेकिन कौन समझे, जिसका मौत लटक रहा है तकदीर में, वो उसका कानों में सत्य प्रवचन नहीं जाता, क्या करे, वो दुश्मन समझता है, भगवान को भी दुश्मन समझा, दुष्ट दुर्योधन ने भगवान को भी दुश्मन समझा, इतना बदमाश है, ये भगवान को अरेस्ट करने का एक तो प्लान बनाया, भगवान को जेल में डाल दो, और सोचो क्या बात है, भगवान को अरेस्ट करके जेल में डाल दो, जैसे आजकल चलता है पॉलिटिकल लेवल में, अच्छा बोलो तो जेल में डाल दो, अच्छा पुलिस तो मेरा ही है और क्या ऐसे ही चल रहा। भगवान ने जब देखा ये तो अकलमंदी है, बदमाश, हरामखोर, तब ने भगवान ने क्या किया, विश्वरूप प्रकट किया। भगवान अंध धृतराष्ट्र को उस पल भर के लिए आंखें दे दिया, देख दिखाया पितामह विश्व, देखा जो मौजूद था सारे देखा, लेकिन अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन तुमको जैसा दिखाया ये तो सबसे बढ़िया, क्योंकि तुम मेरा साथ, मेरा जो माधुर्य रूप है, सुंदर रूप है, हमारा जो कृष्ण रूप है, हमारा साथ तुम्हारा कितना दोस्ती है ये भी देखा, और ये भरपूर ये सब चौंतकारी ये सब चीज दे गए वीर है ना, ये सब दिख रहे हो तुम, क्या भयंकर भयंकर दिख रहे हो, क्या चीज हो रहा है, भूत भविष्यत वर्तमान अखंड काल का अंदर में जो कुछ सब दिखा रहा है भगवान, देखो इतना दिखाया नहीं था, वो लोग विश्व रूप दिखाया था, लेकिन तुमको जैसे दिखाया चमत्कार, मेरा सामने तुम्हारा सामने मौजूद है कृष्ण, मैं कृष्ण हूं ये स्वरूप, और उसका साथ विश्वरूप मेरा शरीर का अंदर सारे जो एकांशेन स्थित जगत है, इन्फिनिटी जड़ ब्रह्मांड जो है एकांशेन स्थित जगत है,
अथवा बहू नहीं थे न किंग गहते न तब अर्जुन, इतना जानकारी लेके क्या करोगे तुम। अथवा बहु नहीं थे न किंग गहते न तब अर्जुन विष्टवाहमीदम सर्व कृष्णम एकांश न स्थित जगत, एकांश के द्वारा जीत है अनंत ब्रह्मा, उतना जानकारी तुमको क्या कर काम है, तुम्हारा क्या काम है, इतना जान के क्या करोगे। ये तो है पक्का बात, दुष्ट दुर्योधन का कानों कानों में नहीं गया, फिर भी ये शास्त्रों का विचार चलते रहेगा, हम दिखाएंगे कि कैसे जिसका दुष्ट भाव है माया के प्रभावित है इसको भगवान प्रताड़ित करते हैं, और जो अनुकूल है इसका ये जो प्रणाम है अर्जुन का प्रणाम है इसमें आएगा, ये सिद्धांत तो आएगा। पहले तो ये सुन लो, कल भी चर्चा किया था लेकिन संतुष्टि हुआ नहीं, फिर भी सोचा कि ना ये डिटेल्स चर्चा चाहिए, ऐसे तो पाठ करके जाए तो उसको किसी को समझ में नहीं आएगा। अर्जुन जब बताएंगे भगवान मैं ये सब देखा, सब दंडवत करता है आपको, सब इस विषय में चर्चा में आएगा, टीका में आएगा, चर्चा में। संजय भी कह रहे हैं कि एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर बेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयो एवाहो कृष्णम स गदगदम भीत भीतम प्रणम्य। यहाँ जो भीत भीतम ये अद्भुत रस आया, तरह तरह का देखा, ये सब भयंकर रूप, हरे पितामह आदि सब मर के लटक रहा है, भगवान का मुखों में जैसे कीड़े मकोड़े छलंग लगाता है, सारे मर रहा है, विभत्स रूप, हाय हाय हाय, ये सब क्या देख रहा हूं मैं, ए? अरे क्या देख रहा हूं मैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा, जब भगवान ने बोला देखो द्रोणो भीष्म सब मर के रखा हूं, तू निमित्त मात्र भव सब साजिन, और तुम जीत जीत कहो, जैसे जैसे माधवेन्द्रपुरी का प्रतिष्ठा के साथ कोई तालुकात नहीं था, ऐसा वैष्णव आज का जमाने में सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ, छानबीन करके एक मिलना मुश्किल है, जिसका प्रतिष्ठा तो कोई मतलब नहीं। इफ यू मेक एन कॉम्ब ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई डोंट नो यू कैन गेट वन और टू और नॉट, एक दो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी डाउट है। माधवेन्द्रपुरी बात का प्रतिष्ठा से कोई ताल्लुकात नहीं है, भगवान को प्यार करता है, भगवान को प्यार करता है, लेकिन ये क्या भगवान इच्छा करके उसका प्रतिष्ठा दिया। प्रतिष्ठा स्वभाव ही जय ना चाहे तारा विधाता निर्मित, जो चाहता नहीं भगवान उसको देते। अर्जुन को प्रतिष्ठा देने के लिए, पांच पांडव को प्रतिष्ठा देने के लिए भगवान ने बोला इसको दे प्रतिष्ठा, तो वैष्णव को ही मिलना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज वैष्णव है, भीम सब वैष्णव है, वैष्णव को ही मिलना चाहिए प्रतिष्ठा, तो वैष्णव को ही, वैष्णव ही प्रतिष्ठा ना, प्रतिष्ठा तो वैष्णव को ही मिलना चाहिए, और किसको दे, कुत्ता बिल्ली को प्रतिष्ठा दे क्या, घव घव करते रहेगा, हाथी चले बाजार में कुत्ता भोग गया हजार में, ये क्या किसको प्रतिष्ठा दे, गुरु वैष्णव को प्रतिष्ठा देना है, बाकी कोई बाजार का आदमी को प्रतिष्ठा दो तो लटका के चलेगा, हमको प्रतिष्ठा मिला है, हैं किसको दे। इसलिए अर्जुन को, अर्जुन मतलब पांच पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को राष्ट्रीय यज्ञ आदि करवा के पूरा दुनिया का एकदम भरपूर प्रतिष्ठा दिया, क्यों, ये वैष्णवी प्रतिष्ठा है, वैष्णव का प्रतिष्ठा मतलब भगवान का प्रतिष्ठा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, प्रतिष्ठा वैष्णव का मतलब ये भगवान का, वैष्णव लेते नहीं है प्रतिष्ठा, वैष्णव चतुर है, प्रतिष्ठा लेने से टट्टी बेसाप का बराबर भक्षण करना हो जाए, ये लेते नहीं गुरु वैष्णव। तो ये जो संजय भी कह रहे हैं एतत् सुत्ता वचनन के सवस्य कृतांजलिर बेपमान किरीटो कांपना शुरू कर दिया, अरे क्या देख रहा हूं ये सब, अरे जिंदगी में देखा ही नहीं, हाय क्या देख रहा हूं, कितान जलीर बेपथ बेपमान कांपना शुरू कर, ठुठुरा के, ठुठुरा के तो कोल्ड में ठंडी में होता है, अभी तो भयभीत भीत भीत प्रणम, अब अंतिम में भयभीत हो गया, नमस्कृत्वा भूयो एवाहो पुनः बोलना शुरू कर, पुनः बोलना शुरू कर दिया, हैं
द्वारा बोलना शुरू कर दिया, नमस्कृत नमस्कार नमस्कार करके भूयो एवाह कृष्णम स गदगदम भीत भीत प्रणम। ये क्या देख रहा हूं, ये तो जिंदगी में देखा ही नहीं, ये चक्कर खा रहा है मस्तक हरी, बाप रे बाप, इतना बड़ा वीर फिर भी कांपना शुरू कर दिया। भीम इतना बड़ा वीर, जब माघ महीना का ठंडी पड़ा, भीम का क्या तुम तो वीर हो, इतना ठुठुरा के कांप रहे हो, क्या करे, भीम भी ठंडा कर, कुछ नहीं है, ठंडा पड़ा तो भीम भी कपना शुरू कर दिया। सो ऐसा कुछ है, बीड़ों को भी कपा देते हैं, ऐसा भी है। अर्जुन अभी बोलना शुरू कर दिया, स्थाने ऋषि के सतव पकृत्वा जगत प्रहस्यतनुरज्यते च रक्षां शिवितानि दिशो दुर्वन्ति सर्वे नमस्वन्ति च सिद्ध संगः। स्थाने ऋषि केशो तव पकृत्वा जगत प्रहिष्यत्तनुरोज्यते च रक्षां शिवितानि दिशो दुर्वन्ति सर्वे नमस्वन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन कह रहे क्या करूं, अर्जुन कह रहे हे ऋषिकेश, या ऋषिकेश क्यों बोला, अब तो कृष्ण बोलते रहे ना इतना दिन से, कृष्ण जादव बाद में क्षमा मांगेगा, हमने कृष्ण बोला, हरी राम राम राम, हमको सम्मान देना चाहिए, श्री कृष्ण बोलना चाहिए, हम हे कृष्ण, हे जादव, हे माधव, बहुत सारे ऐसे, यही उचित नहीं था, उचित नहीं था ना, आप बाद में क्षमा मांगेगा, हमने गलती कर दिया, देखो दोस्ती के खातिर ऐसा ऐसा बोल दिया, अब हम कमा चाह तो आज समझ में आया आप कौन हो, पहले भी थोड़ा जानकारी था, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं, नाई का बराबर। स्थानीय ऋषि के प्रकृता जगत प्रश्यत्वन रजत रक्षांशी भीतानी दिशो दवंती सर्वे नमस्वंती च सिद्ध संगा, सिद्ध संगा सर्वे है, सर्वे नमस्वंती, सब नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध है ना चारण सब नमस्कार कर ऋषि मनी सब, और स्थाने सीता, ये जो कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी भी बना बताया था, स्थाने सीता, ये स्थाने सीता ये जो शब्द है, ये जो साने स्थाने स्थिता, इसका द्वारा कुछ मीनिंग बोल रहा है, बलदे विद्या उस बोला स्थाने, ये जो शब्द व्यवहार किया, एकारांत अब्बा युक्त अर्थे हे ऋषिकेशेति सन्मुख विमुख है ना, ये जो इसका बारे में खुलासा होगा और चर्चा हो पाएगा, और कह रहे हैं स्थाने माने उपयुक्त, ये जो स्थाने ब्रह्मा का जो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर, ये जो श्लोक बताया था, ये स्थाने मतलब वहां भागवत में है, ये जो स्थाने ये शब्द एक ही शब्द आया था भागवत में, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर, ये जो श्लोक आया था इसमें स्थाने ये शब्दों का विश्वनाथ चक्रदेवा बहते हैं। स्थाने मतलब साधुगण सकाशे इन फ्रंट ऑफ साधु, आई लाइक टू लिव, आई लाइक टू लीड माई लाइफ स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ साधु बिकॉज आई कैन हैव द स्कोप टू हियर हरिकथा कीर्तन, क्यों वैष्णव संगते मन आनंदित अनुक्षण सदा हाय कृष्ण परो संग, इसलिए वैष्णवों का संग नहीं छोड़ना चाहता, चाहे दुनिया चली जाए जहन्नम में, पिता माता भाई बंधु संपत्ति, लेकिन गुरु वैष्णव के संग में रहना चाहता हूं, क्यों वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परो संगो, कृष्ण परो संगो हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का कहना भी ऐसा ही है, ब्रह्मा जी का जो ये कहना है, ब्रह्मा जी का जो कहना है, ये भी कहना ब्रह्मा जी का कहना है स्थाने स्थिता सुतिगताम, इसका मतलब है स्थाने स्थिता मतलब साधुगण सकाशे स्थिता, साधुगण सकाशे स्थिता अर्थात साधुगण सकाशे स्थिता
मतलब साधु गुरु वैष्णव के सामने रहना चाहता हूं। तनुबांग तनुबांग मनोवीर काय मन वाक्यों में शरणागत होकर गुरु वैष्णव का सामने रहना चाहता हूं, क्योंकि कीर्तन होते रहेगा, हरिकथा होते रहेगा तो मेरे का सुनने का भी अवसर हो जाएगा, मैं मंगल हो जाएगा मेरा। और यहाँ जो स्थानीय ऋषिकेशव यहाँ स्थानीय शब्दों का व्याख्या किया प्रभुपाद जी, एज उपयुक्त, इट इज फिटिंग, इट इज बीफिटिंग, इट इज राइट, इट इज प्रॉपर, ये ठीक है ऋषिकेश, तबो पकृत्वा आपको सारे दुनिया आपका प्रशंसा कर रहे हैं कि राक्षस भूत पेत सारे है ना रक्षांशी भीतानी दिशो दवंती वो भाग रहा है, क्योंकि भूतों का ये काम है जब राम नाम हो जाए तो भागना शुरू कर दे, राम नाम कैसे रहना नहीं सकता, मेरा हरिकथा सब भूतों जैसा आदमी है रह नहीं सकता, रह नहीं सकता, भागता है, अरे क्या होता है, बेकार का बात है, ठीक ही है बेकार का ही तो बातें हो रहा है, भागता है, सुनने का हिम्मत नहीं है, सुनने का हिम्मत है कलीजा है तो सुनेगा, क्योंकि ये नेकेड ट्रूथ ऐसा ही है। रक्षांश भीता निदिशो दमंती सर्वे सब भाग रहा है, राक्षस भूत दैत्य दान सब भाग रहा है, और जबकि जितना सारे साधु महात्मा है ऋषि मुनि है सिद्ध संगा है सब आपका दिव्य स्तप कर रहा है, तुम्हारा जस कीर्तन श्रवण में जगत आनंद लाभ करता है, जो जो आपका सन्मुखीन है, जो विमुख है वो तो हर हालत में भागेगा, इस बात का खुलासा किया। ये जो अर्जुन ये जो दुर्योधन बदमाश है ये भगवान का कुछ करने का नहीं है, भगवान कह रहे मेरा का क्या करना है, सब तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान का द्वारा ही रेगुलेटेड हो रहा है, अब क्या करें हम, जो मेरा सन्मुख है उसको आनंद विधान करता हूँ, जो मेरा विमुख है वो माया उसका पीछा करता है, मैं क्या करूं, मैं दुष्ट दुर्योधन इतना बदमाश है मरने का पहले भी मैंने का मरने का पहले बोल के गया मेरा दुष्ट कर्म में रुचि है, मैं क्या करूं मेरा दुष्ट कर्म में रुचि है, अन्याय में रुचि है, मैं क्या करूं, मैं धर्म क्या जानता हूं लेकिन मेरा रुचि नहीं, क्या करूं, मेरा कुछ करने का नहीं। तैयार ऋषिकेश हृदय स्थिति न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ये जो नियुक्तोस्मि इसमें ये मत सोचो कि भगवान सब कोई को खराब काम में प्रेरणा, ऐसा नहीं, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि मतलब जो दुष्ट है जो बदमाश है जो माया का चक्कर में है किसी भी हालत से भगवान का सुनने का तैयार नहीं है तो क्या करे, भगवान का माया उसको चलाता है, माया भी तो भगवान का ही है ना, तो भगवान किसी को इच्छा करके बदमाशी उल्टा रास्ता में चला दे वो होता ही नहीं, तब तो कौन करेगा सुबह में उठकर गायत्री जप प्रचोदयात, कौन बोलेगा भगवान हमको राक्षस बना दो बदमाश बना दो मक्कार बना दो, क्या कैसे करे। अरे ये जो ब्रह्म मुहूर्त में ये जो मंत्र है इसका ताकत कैसा है जानते हो, कोई जानता है इसका बारे में, ब्रह्म मुहूर्त में इसका मंत्र का जो ताकत है कोई नहीं जानता, और जानता होता तो करता नहीं करता, 8 बजे 9 बजे आने के 10 बजे आने का, अरे महाराज समय नहीं मिलता, अरे छोड़ दो ना भजन समय नहीं मिलता तो, कौन बोला है इतना तकलीफ उठाने का, कम से कम 3:30-4 बजे करो, हमको कोई मंजूर नहीं है सब, कम से कम 3:30-4 बजे करो, सूरज उदय का पहले तब तो पावर मिले, अब खमा अब आएगा पावर सब तो यूज नहीं करेंगे, कृपा होगा कृपा होगी, अब तो ऐसे ही हो जाएगा का है, ऐसे ही हो जाएगा, भजन भजन नहीं करे तपस्या कुछ नहीं करे कुछ नहीं सेवा क्या, अरे महाराज गुरु तो मिला है, क्या मिला है गुरु, क्या मिला है, कुछ मिला है ये गुरु मिला है, गुरु दर्शन हुआ गुरु गुरु मिला है, आह कितना आनंद में उछल पड़ता है, गुरु मिला क्या मिला, छाई मिला, गुरु जी को धोखाबाजी थी। सो स्थाने ऋषिकेश तवा पकृत्वा जगत प्रश, यहाँ ये बात को खुलासा किया टीकाकारों ने, जो ये करने का नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं कि बोथ, अर्जुन का अभी दोनों दर्शन, ऐसे तो ये अभ्यास है कृष्ण को दर्शन करते ही रहते, अब ये जो विभत्स दर्शन कर रहा है, अरे बाप रे बाप, कभी जिंदगी में दिखा ही नहीं कोई, भगवान ने स्वीकार किया जो रूप तुमको जैसे
जैसे तरीका से तुमको दिखाया, अरे विश्वरूप दिखाया तो और किसी को भी, लेकिन तुमको जैसे दिखाया चमत्कार, ऐसा कोई नहीं देखा। अरे बाप रे बाप, सब कोई को दिखाया ठीक है, लेकिन तुमको जैसे आज के जौलूस दिखाया, ऐसा ऐसा किसी को नहीं दिखाया, भगवान ने स्वीकार किया। तो जो भी है चलो, ये ठीक ही है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कांपते कांपते कह रहे हैं कि स्थाने ऋषि केश तब पखिट्वा जगत प्रहसत्व नज्जते चा रक्षांश भीतानि दिशो दबंती सर्वे नमस्संति च सिद्ध संगा। इट इज प्रॉपर, इट इज एप्रोप्रिएट, सब कोई को दंडवत करना चाहिए तुमको, तुम ही तो सब हो, तुम ही तुम हो ठाकुर जी, मैं कौन हूं। तो चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, अरे अब देखते देखते कांपते कांपते कह दिया, ये देखो राक्षस भूत प्रेत सब भाग रहा है, आपका जस कीर्तन हो रहा है ना, आपका जो कीर्तन हो रहा है, जस कीर्तन हो रहा है, और वो सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। भूतों का मां भी भाग रहा है सब, और ऋषि मुनि सिद्ध संगहा सर्वे नमस्वंति है ना, सब आपको दंडवत कर रहे। अर्जुन कह रहे क्यों नहीं दंडवत करेगा, क्यों नहीं दंडवत करेगा, क्यों नहीं। अगर शुक्राचार्यों का मापिक ऐसा है, शुक्राचार्यों का मापिक गुरु है जो जो शिष्य को भड़काता है, उल्टा रास्ता दिखाता है, उसका भी बाप का हिम्मत नहीं है कि भगवान का दंडवत ना करे, वो भी दंडवत करने के लिए मजबूर है। असुरों का गुरु है, कस्मात ते न नमे रण महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो ओपी उप्यादि करते अनंत देवेशो जगन निवासो तक्षरम जद सदसत तत्परम यत। क्या बताया, कस्मात च ते न नमे रण महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो उप्यादि करते अनंत देवेश जगन निवास तम अक्षरम सदसत तत्परम यत। क्या बताया हैं? अर्जुन घबरा गया, घबरा के कह रहे अरे हे महात्मन, हे हे अनंत, क्योंकि भगवान तो अनंत देव है ही है, भगवान का साथ, भगवान का साथ क्या अनंत देव का सेपरेशन है कुछ, भगवान ही तो अनंत थे, एक रूप में अनंत प्रकट किया है, अनंत हुआ ना, अनंत कौन है, भगवान ही तो है। हे अनंत, हे देवेश, हे अनंत देव है, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि हरि रूप अनंत, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, कैसे कैसे कोई भावे, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे, कैसे भावेगा, कैसे कैसे समझेगा, क्या करे। ठाकुर जी का कृपा ना हो, गुरु जी अनंत देव गुरु जी का रूप में मेरे को कृपा ना करे, तो अनंत ब्रह्मांड में मेरा जो हिम्मत है ये बने रहे, हाँ मैंने किया, मैंने किया, कौन किया, मैंने ही तो किया है, तो चलेगा ऐसा। अगर अनंत देव का संबंध हो गया गुरुचरण आश्रय, तो विनम्र भाव ये स्वाभाविक है, ये विनम्र भाव स्वाभाविक है, विनम्र भाव स्वाभाविक है, तो सोचते रहेगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, किसी को शास्त्री दे, किसी को मार काट दे, उड़ा दे है, मेरा प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर दे, कौन है, मैं कौन हूं। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, हे महात्मम, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, ब्रह्मणा ओपी गरीयसे ब्रह्मारो गुरु, आदि आदि गुरु ब्रह्मा को भी जिन्हें सिखाया, गुरु का गुरु आदि गुरु ब्रह्मा को सिखाया ना, ब्रह्म संहिता में है, ऐसे भगवान के द्वारा संस्कार प्राप्त हुआ है, दिजो संस्कार, भगवान कृष्ण ने संस्कार दिलवाया किसको, ब्रह्मा को, तब ब्राह्मण हुआ। दिजो संस्कार है, ये जो दिजो संस्कार है किसने कराया है, भगवान के द्वारा दिव्य संस्कार प्राप्त हुआ,
उसके बाप तो जितना सारे भगवान ने कृपा किया उसका अनुसार वो काम कर रहा है, काम कर रहा है उसका अनुसार, सेवा कर रहा है, सृष्टि करे ये भी सेवा ही है भगवान का, भगवान ही तो दिया है। तो ऐसा कर रहे हैं, गुरु का गुरु, ब्रह्मा का गुरु, ब्रह्मणों ओपी गरीय से, अरे ब्रह्मा का भी गुरु हो, आदि करते च, आप आदि करता हो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये तो है ही है, फिर भी गुरु रूप में आया, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण सबसे बड़ा गुरु का काम कर रहा है अर्जुन को, अर्जुन तो सिखा रहा है दिखा रहा है, ये गुरु का ही तो काम है और क्या, गुरु का तो काम है दिव्य चक्षु देना, समझाना शिष्य को, इन्हों को बचाना, किसका काम है, गुरु का काम कर रहा है भगवान। जब भी अर्जुन बद्धोजीव नहीं है फिर भी दिखा रहा है, ठीक है चलो, एक वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आदि करते तुम आदि करता ते तु, तु, आपको कस्मात न रमेण, कौन नहीं प्रणाम करेगा, ऐसा किसका हिम्मत है, केनो नमस्कार केनो केनो नमस्कार कोरवे ना, क्यों करेगा नहीं, नमस्कार जरूर करेगा ए? ते कस्मात न रम नमे रण, क्यों आपको नमस्कार नहीं करेगा, आप ही तो आदि हो, आप अंत हो, आप मध्य हो, आप सब कुछ हो, हे अनंत देव, हे देवेश्वर, हे जगन निवास, हे आप ब्रह्मा से भी ऊपर है, गुरु का गुरु है, ते तो आंखे कस्मात न नमे न कुन, कि क्यों नहीं दंडवत करे, तुमको ही दंडवत करना है। अरे आपने ये बताया मत जाजी मांग नमस्कार, सही बताया भगवान के अपना प्रतिष्ठा के लिए, जिसका प्रतिष्ठा अनंत चराचर व्याप्त तो है, और वो क्या प्रतिष्ठा के लिए भिखारी बन गया, उल्लू का पट्टा सब, ओ भगवान बोल रहे है मत जाजी मान, हमको हमको जाजन करो, हमको नमस्कार कर, अरे कौन करेगा, सब कोई बोलता है धांधाबाज है। अरे भगवान अनंत ब्रह्मांड का चराचर ब्रह्मांड का प्रतिष्ठा लेके बैठा हुआ है, ओई सज्जस्व समस्व बीर्जस्व जसस्व श्रीय ज्ञान वैराग्य इति है, ये जो है ना सर इति भगव इंगना इति इंगना, ये जो है सारे तमाम उसी का ही तो है, उसी का ही तो है सब कुछ, भाला बूढ़ा सब कहाँ से आया है, तो हमारा 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 मेरा मैं मेरा ये करते करते मर रहा है, ऐसा करते करते मर रहा है, मौत आ गया फिर भी छूटता नहीं विषय, क्या करे। और रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया जो हम हे प्रभु हमको विषयी व्यक्ति का संग मत दो, हमको इससे बढ़कर आप एक काम करना, चारों ओर आग जला के ठाकुर जी इससे तो बेहतर है, अच्छा है कि चारों ओर आग लगा दो, लग के मेरे को बीच में रख दो, हुताव पंजर जाला है जल अवस्थिति, हुताव पंजर जाला अवस्थिति ज्वाला अवस्थिति, चारों ओर आग जल रहा है, बीच में एक एक कैद करके मेरे को रख दो, बरम हुताव ज्वाला पंजर अंतर व्यवस्थिति, फिर भी एक विनती है ठाकुर जी मेरे को विषयी आदमी का संग मत दो। आप सोचो कि कितना घटिया है, धिक्कार है। सुखदेव गोस्वामी तो गाली दिया, अगले सप्ताह चर्चा करेंगे कैसे गाली दिया सुखदेव, ये धिक्कार है इसका जिंदगी, विषय है। अरे विषय तो कृष्ण है भगवान, विषय और क्या चीज है, कौन विषय है भगवान, हमारा सुखदेव गोस्वामी परमहंस से जो गाली दिया, स्वराहोष्टो है ना संस्कृत पुरुष पशु, ये तो पुरुष पशु है, ये स्वराह इसके द्वारा पूजित होने वाले हैं, कौन इसका पूजा उतर रहा है, ये विषयी है, विषयी है ना। आ रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया प्रभु हमको एक काम करना, चारों ओर आंख जला के पिंजरे में बंद कर दो, ठीक है फिर भी मंजूर है, फिर भी
फिर भी मुकुंदो विमुख जनो संगवास वैशेषम, मुकुंद जनो विमुख संगवास वैशेषम, प्रभु मुकुंद विमुख कोई आदमी है, मुकुंद से पड़े है, विमुख है, दया करके इसका संग नहीं देना, चाहे साधु संतों का बेस में हो, आचार्य का रूप में हो, चाहे बाजार का कोई बेस बना के आए हैं माया देवी इसी रूप में मेरे को गिराने के लिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। सेवा का रूप पकड़ कर लड़की आती है, महाराज हम ये सेवा कर रहे, तू भाग भाग यहां से, गौ किशोर बाबा के सामने आया, महाराज आपका आपको, अरे तू भाग यहां से, देखा माया का कैसा चक्कर है, महाराज आपका जो चावल है उसी में सांप सांप इधर से गुजारा, सांप गुजारा उसको, चावल को मत खाओ आप, आए तू जा भाग यहां से, आया है माया है चमकाने, जा एक 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 एक, एक दफे तो बताया, महाराज महाराज आपका सामने सांप है, सांप है, वो सांप जा रहा है, कहां सांप है, कहां सांप है, हाथ बुला, अरे एक बाल बाल का सांप निकल गया, आपने उधर हाथ लगाया आप काटता, अरे हम तो चाहता है सांप काटे मेरे को, अरे भजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जी के क्या करूं मैं, के पृथ्वी का बोझ बन के रहा हूं, अरे हम तो चाहते हैं सांप काटे मेरे को, पृथ्वी का बोझ बन के रह गया हूं, कुछ नहीं कर पाया, भजन नहीं कर पाया, ऐसा भाव है महापुरुषों का, जी के क्या करूं, किसी को मंगल नहीं कर पाया, किसी ने मंगल लेने के लिए तैयार नहीं है, जी के क्या करूं, उससे आता तो चले जाए, दुनिया से चले जाए, क्या करे रह के, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, ये भाव है महापुरुषों का। ऐसा करके ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर अर्जुन को, अर्जुन दोनों देख रहे हैं, अनंत देव, अनंत देव को देखते हुए घबरा गया अर्जुन, अर्जुन घबरा गया, भगवान का शुक्र है बेहोश नहीं बन गए, जब सर्वभुज रूप दर्शन दिया सर्वमटेज को बेहोश होकर पर गिड़ पड़ा, ये संभव नहीं है, भगवान इसको ताकत दिया कि मेरे को देख ले, अपना ताकत के अनुसार देख नहीं पाएगा तू, इसीलिए दिया ना एडजस्टमेंट बनाने के, कैसे देखे, अरे तो अभ्यास है, ये आंखों के द्वारा मेरा प्रेममय जो रूप है कृष्णों को देखते हैं हमको, अब कभी देखा नहीं है, ये पागल बन जाएगा तो कैसे देखे, इसीलिए थोड़ा हम चमत्कार दिखा दिया ठाकुर जी, चल ये देख ले, अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम, अक्षरम में अक्षर अब्बा है, आदि पुरुष तुम ही हो, ये तुम अक्षरम मैंने जिसका कोई व्यय नहीं है, कोई नाश नहीं है, आप ही हो, और देखो विषय का साथ संग होने से कितना दुर्भाग्य है, प्रभात का विचार समझने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म अपेक्षा करना पड़ेगा, 64 मठ बनाने के बाद भी प्रभात जी कह रहे हैं कि मैं निष्किंचन हूं, मेरा पीछे लग रहा आदमी पड़ रहे, मेरे को भी शत्रु समझता है, अब सोचो क्या बात है, हैरान करने वाला बात है, 64 मठ का निर्माण किया विद इन दिस शॉर्ट पीरियड, नॉट ओनली दैट वांटेड टू चेंज द होल वर्ल्ड, वांटेड टू ब्रिंग ए फ्लैड ऑफ कृष्ण प्रेमा, और आदमी उसको ही दुश्मन बन के बैठा हुआ है, आदमी उसको ही दुश्मन बन के बैठा हुआ है, सोचो क्या बात है, अब ये लोगों का मंगल कैसे हो, चाहे करोड़ों मठ बना दो इसका मंगल होने वाला नहीं, जो मैं बोला वही करो, पैसा है तो लाओ बनाओ और ये सिखाते रहो, बच्चा सब बने, नहीं तो खानदान उजाड़ जाएगा, सांप लगा है, गुरु वैष्णव का अपमान किया, गुरु वैष्णव ने सांप नहीं दिया, लेकिन लिखा हुआ है शास्त्रों में गुरु वैष्णव तो किसी को सांप नहीं देता, लेकिन उसका चरण रेणु का जो अपमान है उस चरण रेणु उसको एकदम खत्म कर दे, जला के खाक कर देगा, लिखा हुआ है भागवत, गुरु वैष्णव का चरण रेणु वो उसका अपमान सहन नहीं करते, देवी जी चर्चा कर रही है उसका शरीर छोड़ने का पहले, गुरु वैष्णव तो गाली नहीं देते, कुछ नहीं करते, लेकिन उसका जो चरण रेणु उसका जो अपमान है बेइज्जती है वो सहन नहीं करते, वो आग बनकर उस सोसाइटी को उस समाज उस आचार्य जो कुछ भी हो कोई भी हो उसको जला के खाक कर देगा,
मरते दम तक ये विचार रखना, चाहे भजन कम कर लो ठीक है, लेकिन अन्याय नहीं करना, अपराध नहीं करना, कम हो ठीक है, ब्राह्मण से बनता नहीं महाराज, ठीक है कम है ठीक है, चलो सुनते रहो हरि कथा, सुनते रहो, जितना भी मजबूरी है तुम्हारा, सुनने का इच्छा नहीं है फिर भी सुनते रहो, मेरा वादा है ये जन्म नहीं तो दूसरा जन्म मैं कोई खेलकूद नहीं कर रहा हूं, मेरा वादा है, अगर किसी का कानों में शब्द गया मेरा गुरु जी का कसम है उसका मंगल होते ही रहेगा, झूठा नहीं होगा, ये जन्म नहीं तो दूसरा जन्म होगा ही होगा, ऐसा ही है। अनंत देवेश जगन निवास, तुम जो सदसत जो चैतन्य चैतन्य की व्याख्या है अगले जन अगले हफ्ता में हो पाएगा, द्वैते भद्रा भद्र सब मन धर्म यही भालो यही मंदो सब भ्रमो, द्वैते ये सब चर्चा होगा अगला सप्ताह, द्वैते भद्रा भद्र सब मन धर्म यही भालो यही मंदो यही सब भ्रमो, ये विचार होगा, सारे भला बुरा सब कुछ है, परमहंस वैष्णव किसी का दोस्त देखते नहीं है, लेकिन खानदान को बचाने के लिए गाली देते हैं इच्छा करके, जो परमहंस सुखदेव गोस्वामी जिसका कोई तालुकात नहीं है जगत का साथ फिर भी बचाने के लिए गाली दे रहा है, जो किसी से कुछ मांग के खाता नहीं है, खाने का तो दूर की बात, पीता नहीं है, खाता तो नहीं है दूध पीता, अगर बिना मांगे तो दे दिया, तीन घर में गया बिना मांगे कर देख लिया तो दे दिया, तो पी लिया दूध भगवान को दे के तो ठीक है, नहीं तो बिना खाए रह जाए, मौनी बाबा है भगवान का कथा का बिना कुछ नहीं करते, ऐसा मापिक जो साधु है वो भी गाली दे रहा है, शरा संस्तुत पुरुष पशु गाली दे रहा है, तो पशु है विषय सब है, विषय लेकर भरपूर है, जंगल का पशु से भी ये भी भयंकर है, जंगल का पशु तो उसका लिमिटेशन है वो कहां तक जाए, ले इसका लिमिटेशन बहुत आगे चल के और भी खतरनाक बन सकता है, विषयी पशु कुछ भी कर देगा, वैष्णव को मारो हटाओ मठ मंदिर बनाओ उसमें बेशा को लाओ सब मत करो मजा, ये सब करेगा और क्या, यही तो करेगा, बिना वैष्णव एक मठ मंदिर वो शमशान है, ये शमशान है जानकारी कर लो, बिना गुरु वैष्णव सारे शमशान है कुछ नहीं है, वैष्णवी मठ है, ये मठ मेरा है, ये मठ मेरा है, वो कहीं आया है, वो इसका गुरुजी का शिष्य है, ये सब विचार चल रहा है, मठ मंदिर में गुरु वैष्णव नहीं है, ये मठ नहीं है, ये शमशान है, गुरुजी ने ये बताया बार बार, ये मठ मंदिर नहीं है, एक शमशान है, क्या करेगा इतना मठ मंदिर देके, बनाओ बनाओ बनाओ, पैसा है तो काला पैसा बनाओ, बना के क्या करे, हृदय को बनाओ, हृदय को बनाओ, हिम्मत है तो बाप का हिम्मत है तो हृदय को बनाओ, हृदय को बनाओ, बाप का हिम्मत है तो बनाओ, हरि भजन का फिटिंग्स बनाओ, एक चर्चित व्यक्ति बन जाओ समाज में, जहां इसने किया है समाज का कितना जाने माने आदमी है, कम से कम ये तो नुकसान नहीं किया, हरि भजन नहीं किया, कम से कम तो कुछ किया है, कुछ करने का कोशिश, हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ विनाश किया, असुर का माफी एलो तो कुछ ना कुछ किया है, जब भी पारमार्थिक वैल्यूएशन देखना पड़ेगा इसका कहां तक है, लेकिन कुछ तो किया, आप तो ध्वंस करने में लगे हो, बस एक सेवा बाकी है, पोपा जाने के बाद एक सेवा बाकी है, हमारा गुरु वर्गों का जो आदर्श आइडियलिज्म है, ये आइडियलिज्म के अपना जीवन में उतारो, पालन करो, आदमी आते रहेगा हरि कथा सुनते, आचार्य जो बनाने का दरकार क्या है, अब कोई काबिल है नहीं तो बना दो दूध दस को, अब तो मरेगा और चक्कर में आएगा, मरने का चक्कर में, बेकार है कंसेप्शन, सिद्धांत तो नहीं है ये, जब भगवान का कृपा का अनुसार कोई आचार्य रूप प्रकट करे, तुम्हारा अगर अंदर में मास्टर जो नहीं है तो समझ लो ये आचार्य है, सुखदेव गोस्वामी किसी को दिखा के नहीं गया, लेकिन सारे समझ गया ये आचार्य है, यहाँ तक बाबा पर बाबा भरतराज एनो पराशर धौमो व्यासदेव सारे समझ गया, यही तो आचार्य है, और तुम्हारा अंदर में ये हिम्मत नहीं जो स्वीकार करिए आचार्य है, क्योंकि हिंसा है,
विद्वेष है, मास्टर जो है ये स्वीकार नहीं करे, ये आचार्य है, ये आचार्य है, सब प्रकाश आचार्य जो प्रकाशित कर दिया भगवान ने, उसको मार के भगाओ, भगा दो और मेटेरियल आचार्य बना दो जो विषय लेके व्यस्त है। इसमें मंगल करोड़ों जन्म में होने वाला नहीं, पूरा खानदान उछाड़ जाएगा। बी केयरफुल अबाउट दैट, ये पक्का सिद्धांत है। सदसत जो है इसका बारे में चर्चा अगले सप्ताह हो पाएगा। जो दैत्य भद्रा भद्र सब मन धर्मो यही भलो यही मंदो यही सब भ्रमो, ये सब चर्चा अगले सप्ताह हो पाएगा। आज समय कम है। काये नो वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्वात्मनावा अनुसृतो स्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्वात् वांछा कल्पतरुषि के पासिंद भविष्य पतितानं पावने भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।